हमारा ऑर्डर होने लगे, अल्पैक हमने ऑर्डर कर लिया, श्रिम्स ऑर्डर। हाँ जी, वाह जी वाह। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपको देने जा रहा हूँ एक सरप्राइज़। मैं हूँ YVR एयरपोर्ट वैनकूवर में और मेरी फ़्लाइट है यहाँ से 2 दिन की फ़्लाइट। 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में हम करेंगे स्टे, 2 डिफरेंट लेंगे फ़्लाइट्स, एक एयर कैनेडा एक एमिरेट्स। आगे सरप्राइजेस के लिए तैयार होते जाइए और देखते रहिए जी। तो सरप्राइज़ ये है, मैं दुबई एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। तो दुबई में मेरा 20 घंटे का स्टे है, एक दिन ही समझ लें। तो देखते हैं एक दिन में हम क्या क्या कवर करते हैं, देखते रहिए साथ साथ। 15 आवर्स की एक लंबी फ़्लाइट, ऑलमोस्ट 16 आवर्स मैं प्लेन में था वैनकूवर से दुबई पहुंचने के लिए, दुबई आ गया। वाह जी ये सरप्राइज़, एंटर हो गया UAE दुबई में। तो डाउनटाउन सामने ही है। हाँ साहब को आपको रोशनी में दिखाते हैं इमार, और ये है बुर्जुल खलीफा। ये चेक करें, उत्ते तक कैमरा करना पैना जितना कि ऊंचा है। और ये मार की बिल्डिंग्स, और ये कौन सा है, दुबई माल, जहाँ पे मतलब जो मेन देखने की हर सब इधर ही है, दुबई माल के अंदर ही है मेन पॉइंट्स। सुबह आएंगे। हाँ साहब, हाँ साहब अरे बोल नहीं रहे, बोलवाने बाद से। पहले तो एंटर होते ही दुबई एयरपोर्ट, ये वो गल्फ वाली फीलिंग वापस याद आ गई रियाद की। लेकिन दुबई डिफरेंट है बिल्कुल, ओवरऑल ही डिफरेंट है। अभी नाइट में जा रहे हैं अंदर, थोड़ी वॉक शॉक करते हैं, बाद में देखते हैं। जुमेरा का मेन इलाका आ गया, तो उधर के आप ये विले चेक करें। हाँ साहब को कह रहा हूँ एक आधा कोई बुक करवाएं, कोई देखें हिसाब किताब, कोई मतलब होएगा कोई 5 to 10 million का, 10 million देना उम्रे ते हुई सी जदों मैं सोदियां हां 2016 च, 8 साल बाद मुलाकात हो रही है। अली भाई ते हां साहब ओवें ते ओही जवान ने, अली भाई भी जवान, असि ते बुड्ढे हो गए हां। भाई जी अलबैग के लिए आए और 2 बजे अलबैग बंद हो गया, कोई ऑर्डर भी नहीं ले रहे, क्या करें अब, सुबह आना पड़ेगा। चले आज नहीं, हाँ साहब आज लेट हो गया अलबैग। और मैंने इधर ताजिज भी देखा उस साइड पे ताजिज, लेकिन वो भी बंद है अभी। और लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ और दिन एक है, इतना तो खा ही नहीं सकते। चेक करें जी, ये मस्जिद को नई बनी है बता रहे हैं अभी। और एक जो दुबई में मेन आते ही बड़ी बड़ी मस्जिद और अच्छी अच्छी खूबसूरत सी मस्जिदें देखने को मिलती हैं। तो इधर हम वॉक कर रहे हैं, इस टाइम रात का टाइम है, KFC खुला है, KFC खाना है तो KFC अलबैग की सुबह खाएंगे, KFC क्यों खाना है। तो देखते हैं अब क्या मिलता है हमें। इस टाइम रात के 3 बजे हुए हैं, रात के 4 बजे, और मैकडोनल्ड ही मिला खुला, और यहाँ पे वो भी नेमत है क्योंकि हलाल मिला। तो यहाँ पे खुल के अरसे बाद हलाल बर्गर खाएंगे मैकडोनल्ड के सामने। रशिया की बिल्डिंग, इंग्लैंड की बिल्डिंग, पर्शिया की बिल्डिंग, तो ग्रीस की बिल्डिंग, तो ये इंटरनेशनल सिटी है दुबई में। ये जी हम क्रॉस कर रहे हैं दुबई फ्रेम। अच्छा जी, हाँ साहब इस रोड का क्या नाम है, ये मेन रोड लग रही है इधर की, शारल शेख राशिद। तो ये सारा डाउनटाउन का एरिया इधर से, और ये दुबई फ्रेम को क्रॉस कर रहे हैं। ये ओल्ड मतलब ओल्ड दुबई, ओके। तो उधर न्यू डाउनटाउन है दूसरी साइड पे। जुमेरा का ये सारा एरिया है, और ये वाटर पार्क है जुमेरा का, इसके बैक साइड पे बुर्ज अल अरब है। ये जनाब बुर्ज अल अरब, ये जनाब सारा जुमेरा का एरिया है, बुर्ज अल अरब आप देख सकते हैं इधर, और साथ में सारी मार्केट्स भी जुमेरा की हैं। सामने वो जुमेरा होटल भी आ गया, ये वो शेरिया सारा दुबई का।
जी तो जुमेरा बीच आ गई है और ये सामने आप बुर्ज अल अरब और जुमेरा होटल देख सकते हैं। और ये सारा बीच जो है ये जुमेरा में बना है, बिल्ड हुआ है। और ये जितने विले आपको नज़र आ रहे हैं ये भी नए बिल्ड हुए हैं। और आप देख सकते हैं सामने यार्ड्स खड़ी हैं और हमारे खान साहब हमें लेके आ गए इधर। और प्रॉपर बीच देख सकते हो कि सैंड के साथ जो बीच होता है ये वो बीचेस हैं। और मौसम इस टाइम ठीक ठाक हॉट, इतना गर्म नहीं है, 30 डिग्री है, लेकिन मुझे अच्छा खासा हॉट फील हो रहा है। और सामने जो बीच में सी का कलर है ग्रीन, नहायत ही ब्यूटीफुल। ये मतलब प्रॉपर कह सकते हैं कि जो आप समंदर देख सकते हैं अरेबियन सी, ये वो है। जुमेरा से वापस जाते हुए अब हम जा भी डाउनटाउन की तरफ रहे हैं, दुबई मॉल, और ये सारा डाउनटाउन का एरिया नज़र आ रहा है। करें तो जी ये डाउनटाउन एंटर हो रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रीट से। और ये एमआर की बिल्डिंग, ऊपर से दो बिल्डिंग्स जो आपस में कनेक्टेड हैं। और ये आपका बुर्ज खलीफा, और ये सामने भी एमआर की बहुत बिल्डिंग है। एमआर की कराची में भी काफी टावर्स बने हैं। सारा ये न्यूली डेवलप्ड डाउनटाउन ऑफ दुबई। और ये जनाब दुबई मॉल, बस अब दुबई मॉल में एंटर होंगे तो फिर अंदर से जाके भी कुछ देखते हैं। जी तो भाई अलबैक आ गए, जो दुबई में एक काम मैंने करना था, सऊदीया में तो बहुत खाते रहे, बड़े अरसे बाद 5-6 साल बाद मैं मौका मिलेगा खाने का, और वो भी दुबई में। तो ये अलबैक हमने ऑर्डर कर लिए, श्रिम्स ऑर्डर किए, ब्रोस्ट ऑर्डर किए, और उसके साथ फिश नगर्स की, अपनी फेवरेट डिशें सारी मैंने ऑर्डर कर ली हैं। तो अब देखते हैं कितना खा सकते हैं और अभी बैठ के खाते हैं। और ये दुबई मॉल है जिधर हम आए हैं, और दुबई मॉल के ये फूड कोर्ट है, टेक्सास भी है यहाँ पे चिकन, और ये अपॉर्चुनिटी के सब हलाल है, जो मर्जी खाएं। वेंटेज सामने नज़र आ रहा है, ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन एक दो मील ये खाने के लिए क्योंकि शाम में वापसी है। तो हमने ऑर्डर किया श्रिम्स, श्रिम्स में पहली बार ट्राई करूँगा, मैंने सऊदीया में भी ट्राई नहीं किए। तो क्या बात है, याद आ गई पुरानी। और मेरे फेवरेट फिश नगर्स, और ये तो इनका ओरिजिनल रेगुलर जिसके लिए अलबैक फेमस है, इनका ब्रोस्ट, और ये अंदर मसाला लगा हुआ आप देख सकते हैं, ये है। और सॉस सबसे बेस्ट इनकी सॉस, ब्रोस्ट इनका ओरिजिनल। और दुबई आने का जो मेन मकसद एक था स्टॉप में, वो अलबैक खाना है। और खान साहब को हम मिलने आए थे, लेकिन अलबैक खान साहब को क्रॉस कर रहा है थोड़ा सा, खान साहब मार रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम अली भाई, मजा आ गया, आप फैमिली को भी साथ लेके आए इंशाल्लाह। जी अब हम आ गए हैं एक्वेरियम में, तो आप एमआर का ये एक्वेरियम और दुबई मॉल में ये चेक करें। ओहो वेल किलर जा रही है जी, वेल किलर, साइड भी ये चेक करें। और ये स्टार फिश, ये वाली चेक करें आप। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या ही हाल है एक्वेरियम। वीडियो बन डांसिंग फाउंटेन्स इन दुबई।
की तो आगे बुर्जुल खलीफा, दुबई मॉल, एमआर की बिल्डिंग्स और ये डांसिंग फाउंटेन जो अभी थोड़ी देर पहले बंद हुए हैं लेकिन आपने देख लिया ऑलरेडी। तो जंगल में मंगल किया हुआ है, गर्मी इस टाइम बहुत लग रही है लेकिन ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, एक्वेरियम देख लिया, ये देख लिया और एक दो स्कीइंग रिजॉर्ट देखना है और फिर यहाँ से निकलेंगे दुबई मॉल से। गर्मी बहुत, मतलब 30 डिग्री है लेकिन मुझे बहुत लग गया इस टाइम। ये फाउंटेन्स वाला जो आप देख रहे थे पहले यही चल रहा था, अभी डांसिंग फाउंटेन हर हाफ एन आवर या एक घंटे बाद होता है और ये आप देख सकते हो दुबई मॉल के अंदर है और बिल्डिंग से घिरा हुआ सामने बुर्जुल खलीफा, ये आप चेक करें मार। चेक करें वाटरफॉल के पॉइंट पे आ चुके हैं अब दुबई मॉल में, चेक करें आप ये वाटरफॉल। स्कीइंग रिजॉर्ट भी बनाया है, ये आइस हॉकी वाला पूरा ग्राउंड है, ये प्रॉपर मेंटेन करके टेम्परेचर, और ऐसे भी दिखा रहे हैं जैसे स्नो पड़ी और बाहर ठीक ठाक गर्मी है अभी लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है आइस हॉकी का। चाइना टाउन, दुबई मॉल में चाइना टाउन भी, उल्टा दुबई, सब कुछ उल्टा है यहाँ पे। टाइम आ गया नारियल पानी पीने का, गर्मी बहुत है तो हमने कहा नारियल पानी पी ले पहले, तैयार हो रहा है। थैंक यू जी। जी तो हम पहुंच चुके हैं शारजा, खान साहब के साथ होते होते लगता है सारी स्टेट्स घुमा देंगे आज हमें खान साहब एक ही दिन में। हाँ जी ये पॉइंट है जी, और ये वाला पॉइंट ऊपर नीचे बग्गी ले गए लैंड क्रूजर उतार के, ये काम ऐसे दमाम वाली साइड पे मैं करता रहा हूँ और बड़े मजे का एडवेंचर होते हैं ये भी। वहां पे कुछ लोग आ रहे, पूरा डेजर्ट सफारी इस टाइम, क्या बात है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने को जितनी गर्मी है, एकदम से मैं 1 डिग्री से 30 डिग्री में आया हूँ। ये जनाब की डेजर्ट सफारी, आगे बाइक्स वगैरह भी लोग चला रहे हैं। जी तो शाम हो चुकी है, वापस उसी एरिया में आ गई, ये पर्शिया की बिल्डिंग है, सुबह जैसे मैंने दिखाया कि इंग्लैंड की बिल्डिंग कोई फ्रांस की बिल्डिंग, तो इस तरह से अब हम आए हैं, शाम को वापसी है फ्लाइट की, फ़्लाइट है 1-1.5 घंटे में हम जाएंगे एयरपोर्ट, तो उससे पहले का जाने से पहले एक मंदी वगैरह कुछ खाते जाएँ, तो ये एक रेस्टोरेंट है वरसान मंदी रेस्टोरेंट, इधर आए हैं देखते हैं अंदर मंदी या कुछ और नज़र आता तो बस वो खाते हैं, और 24/7 है ये तो वैसे, और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। तो मैंने मटफोन में जो मटन है वो सही से गला होता है, ये आप देख सकते हैं जैसे गला वो मीट राइस के ऊपर बहुत मजे का, ये याद मैंने ताज़ा कर दी थी आखिरी दाल जिसके बाद हम जाएंगे वापस, तो एक अच्छा सा फूड पेंट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी खान साहेब शुक्रिया आपका बहुत बहुत, पूरा दिन आपने हमें घुमाया जितना कोशिश कर सकते थे, कुछ रह गया तो बताएं फिर हम आपसे गिला भी कर लें या नेक्स्ट टाइम के लिए, हमारे और टाइम देना। अच्छा हाँ नहीं आज के टाइम के लिए काफी हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्रिया बहुत बहुत। ओके जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको। ओके जी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह।